भगवती महामाया काली आद्या शक्ति है, शाक्ति मतावलंबियों की इष्ट देवी भी है। सृष्टि स्थिति और प्रलय इन तीनों की कर्त्री तथा त्रिभुवन स्वामिनी भी महाकालिका है। भगवती काली के अनेक रूप हैं, काली महाकाली, भद्रकाली, दक्षिणा काली, शमशान काली, गुह्य काली, सिद्धि काली, कामकला काली, हंस काली इत्यादि। 10 महाकालिकाओं में इनका मुख्य स्थान है, अतः इन्हें आद्या भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में वर्णित आद्या काली जगदम्बा है और भगवती दक्षिणा काली आदि शक्ति स्वरूपा है। मार्कंडेय पुराण में जिन महाकाली का वर्णन है उनका जन्म भगवती अंबिका के ललाट से हुआ है। उन्हें भगवती दक्षिणा काली के सर्वथा अलग समझना चाहिए। भगवती दक्षिणा काली को ही दक्षिणा अर्थात दक्षिणा कालिका भी कहा जाता है। दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्य का पुत्र यम भगवती दक्षिणा काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर भाग जाता है, अर्थात वह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकता। मार्कंडेय पुराण में वर्णित भगवती अंबिका के ललाट से ही उत्पन्न काली उक्त आद्या काली से भिन्न है। उनकी गणना भगवती दुर्गा की त्रिमूर्तियों के अंतर्गत की जाती है, अतः मार्कंडेय पुराण में वर्णित काली तथा भगवती आद्या काली के अंतर को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। देवी उपासकों को चाहिए कि सबसे पहले वह महाकालिका के बीज मंत्र को सिद्ध करे, क्योंकि अगर यदि बीज मंत्र को सिद्ध नहीं किया गया तो महामंत्र सिद्ध नहीं होता है, और बीज मंत्र में ही सभी महामंत्रों की शक्तियाँ सम्मिलित होती है। इसलिए बीज मंत्र को ही आदिशक्ति का एक विशेष शक्ति स्वरूप शक्तिपुंज माना जाता है। और इससे पूर्व इस बात का ध्यान रहे कि स्नान ध्यान प्राणायाम शरीर का आंतरिक और बाहरी शुद्धिकरण के पश्चात में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रता के साथ में और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का जप किया जाता है। और जब से पूर्व देवी का ध्यान बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि ध्यान को ही आवाहन दिया गया है, यानी कि ध्यान के द्वारा ही देवी के स्वरूप का भान होता है और उसी से ही देवी का आवाहन कर्म किया जाता है। देवी कालिका का ध्यान इस प्रकार है। ओम कामत्रयम वहनी संस्थम रतबिंदु समन्वित कुर्च युग्मम तथा लज्जा युग्मम च तदनंतरम दक्षिणे कालिके चेति पूर्व बीजानि चोचरेत अन्ते वहनि वधुम दध्यात विद्यायागी प्रकीर्तिताः। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके देवी का ध्यान करें, और अगर ध्यान आपको याद ना हो तो इस ऑडियो को शुरू कर दें। तत्पश्चात आप धूप दीप पुष्प गंध इत्र इत्यादि से देवी का पूजन करें, तत्पश्चात बीज मंत्र कालिका के बीज मंत्र का जप करें। बीज मंत्र इस प्रकार है। क्रीम इस कालिका के बीज मंत्र का 1,25,000 की संख्या में अनुष्ठान किया जाता है। उसके पश्चात में दशांश हवन आवश्यक होता है, और दशांश हवन करने के पश्चात में ब्राह्मण भोजन और 10 वर्ष से छोटी कन्याओं के भोजन का विधान है। इसके पश्चात अवश्य ही साधक को सिद्धि हासिल हो जाती है और हर एक कार्य उसके संपूर्ण हो ही जाते हैं। और विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि या नवरात्र के दिनों में जो इन बीज मंत्रों को सिद्ध कर लेता है अवश्य ही माँ काली के दर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दक्षिण कालिका के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे, और उनके गुरु ही रामकृष्ण परमहंस थे जिनको साक्षात माँ काली ने इस बीज मंत्र के द्वारा ही दर्शन दिए थे। क्योंकि इस बीज मंत्र में आदि शक्ति की संपूर्ण शक्ति विद्यमान है, बशर्ते इस बीज मंत्र को सिद्ध किया जाना अत्यावश्यक माना जाता है, और पूर्ण भक्तिभाव से किया गया जब आपको अवश्य ही सिद्धि प्रदान कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।